तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन का चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल देखेंगे और पार्ट वन में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इस तरह के एक्सप्रेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं टू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस वन बायस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अब ऐसे अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती है उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं इन द पोलिनियल एक्स स्क्स टू एक्स द एक्सप्रेशन एक्सक्वायर एंड टू एक्स आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पोलिनोम अब ये जो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें जो एक्स स्क्वायर है और ये टू एक्स है इसको क्या बोलेंगे टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स ये दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म अब यहाँ पर ये पॉलीनॉमियल है इसमें कितनी टर्म्स है वन टू थ्री थ्री टर्म्स हैं तो जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो सभी पॉलीनॉमियल्स होते हैं वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसे कोफ़िशेंट बोलते हैं और जो सिंगल नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे कॉन्स्टेंट बोलते हैं टू माइनस फाइव सेवन एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल यहाँ पे जीरो भी एक नंबर है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन बाय एक्स रूट एक्स प्लस थ्री और क्यूब रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर आर नॉट पॉलिनॉमियल्स इस टाइप के अल्जॅब्रैक एक्सप्रेशन को हम पॉलीनॉमियल नहीं कहते हैं क्योंकि इसकी जो डिग्री होगी जिसकी जो पावर जो होगी एक्स की यहाँ एक्स की पावर माइनस वन है पावर पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर एक्स की पावर वन बाय टू है ये रूट का साइन है स्क्वायर रूट का तो इसको हम एक्स की पावर वन बाय टू भी लिख सकते हैं तो ये भी पॉलीनॉमियल नहीं है और इसकी भी पावर क्या है वाई की पावर वन बाय थ्री फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे अब ऐसे एल्जेब्रेक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है टू एक्स सिर्फ एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स जिसमें टू टर्म्स होती है उसको बोलते हैं बायनोमियल्स और जिसमें थ्री टर्म्स होती है इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोम एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमल किसी भी पॉलिनॉमल की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनॉमिल बोलते हैं तो यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल है और यहाँ पर वेरिएबल वाई दिया हुआ है ये वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है जैसे इसमें वाई वेरिएबल है इसकी हाइस्ट पावर कितनी है, है. So तो एट है द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ एट सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमल इज एट तो इस पॉलिन की डिग्री एट है अब यहाँ पर सिर्फ टू दिया है कॉन्स्टेंट पॉलिनामियल है द ओनली टर्म हेयर इज टू यहाँ सिर्फ टू है एक ही टर्म विच कैन बी रिटर्न एज टू एक्स रेस टू पावर जीरो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन आपको पता है और टू में अगर हम वन का मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है तो टू को हम टू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं सो द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज जीरो देअर फॉर द डिग्री ऑफ द पोलिनमियल इज जीरो तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है जीरो अ पॉलिनोम ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वारटिक पोलिनियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाइएस्ट डिग्री टू हो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वार पॉलिनोमियल कहते हैं अ पोलिनॉमल ऑफ डिग्री थ्री अ क्यूबिक पॉलिनॉमल ऐसा पॉलिनॉमल जिसकी डिग्री थ्री हो यानी हाईएस्ट पावर थ्री हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमल बोलेंगे इसकी हाईएस्ट पावर थ्री है इस एल्जैबरा के एक्सप्रेशन की भी हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये दोनों क्या है क्यूबिक पॉलिनॉमिल अब आपको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनॉमल तक ही है लेकिन अगर आगे की डिग्री का नाम भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर अगर जिसकी डिग्री फोर है उसे बोलेंगे क्वार्टिक जिसकी डिग्री फाइव हो उसे बोलेंगे क्विंटिक सिक्स हो तो सिक्सटिक सेवन सेप्टिक एट ऑक्टेटिक नाइन नॉन एटिक एंड टेन डेकाटिक यहाँ पर एक पॉलिनॉमल देखिए जहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन ए एन ये सभी कॉन्सटेंट्स हैं और जहाँ पर ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी ये कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर कॉन्स्टेंट सभी जीरो के इक्वल हैं वी गेट द ज़ीरो पॉलिन विच इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो तो हम हमें क्या मिलेगा जीरो पॉलीनोमियल मिलेगा जिसको हम जीरो से डिनोट करेंगे क्योंकि जीरो एक्स की पावर जीरो हम अगर करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा तो अभी आपने पॉलिनॉमल इन वन वेरिएबल देखा अब इस तरह के भी पॉलिनॉमल होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेट यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स है ये भी पॉलिनॉमल इन थ्री वेरिएबल्स है यहाँ पे भी पॉलिनॉमल इन थ्री वेरिएबल्स है ये पॉलिनॉमल इन टू वेरिएबल्स है थ्री एंड टू रिस्पेक्टिव यू विल बी स्टडिंग सच पॉलिनॉमल इन डिटेल लेटर तो इस तरह के जो पॉलिनॉमल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट वन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट ये जो एक्सप्रेशन तीस में से कौन सा पॉलिनॉमल वन वेरिएबल पॉलिनॉमल है है और कौन सा नहीं है और इसका हमें रीजन भी बताना state reason for your answer. तो यहां पर ये जो है पॉलिटल है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स आया है ये भी वन वेरिएमियल है इसमें एक ही वेरिएबल है ये वन वेरिएबल पॉलिनोम वन वेरिएबल तो है पर ये पॉलिनोम नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो t दिया है इसका पावर वन बाय टू है तो मैंने अभी बताया था कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए यहाँ जो t की वैल्यू है पावर है वो वन बाय टू है यहाँ नंबर पर रूट का साइन लगा है लेकिन वेरिएबल पर नहीं है यहाँ पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है y प्लस टू बाय वाई यहाँ पर वेरिएबल y एक ही वेरिएबल यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर जो ये वेरिएबल है इसकी पावर माइनस वन एक जब हम वाई डिवाइड में है जब ये ऊपर हम लेकर जाएंगे तो वाई की पावर माइनस वन हो जाएगी अभी पावर वन है और जब हम ऊपर ले जाएंगे इसको मल्टीप्लिकेशन में तो वाई की पावर माइनस वन हो जाएगी ये जो एक्सप्रेशन है ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है तो ये एक वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं x, y एंड t। राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कोफिशियंट क्या होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लायर में क्या है कोई नंबर नहीं लिखा मतलब इसमें हम वन का मल्टीप्लाई मानते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर का कोफिशियंट क्या है वन यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर का कोफिशियंट क्या है यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस वन यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर का कोफिशियंट क्या है पाई बाय टू और यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर नहीं है तो हम इसका कोफिशियट नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का तो जीरो यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर का कोफ़िशियट जीरो है थर्ड ए गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव एक बायनोमियल लिखना है बायनोमियल क्या होता है जिसमें टू टर्म्स होती है और डिग्री उसकी थर्टी फाइव यानी हाइस्ट पावर थर्टी फाइव होना चाहिए एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड तो कोई भी अल्जेब्रा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप तो एक थर्टी फाइव तो मैं आपको करके बताती हूँ आप मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है तो जैसे हम यहां लिख सकते हैं टू वाई की पावर थर्टी फाइव और वाई स्क्वायर तो ये एक बायनोमियल है क्योंकि इसमें टू टर्म्स है और एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए होल नंबर हमें बता चुकी है आपको पता ही आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या होता है तो इस इस बाइनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है थर्टी फाइव तो ये एक एक्सप्रेशन ऐसे आप कितने भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बायनोमियल की जिसकी हाइस्ट डिग्री थर्टी फाइव हो और सेकेंड हमें एक मोनोमियल लिखना था जिसकी हाइस्ट डिग्री हंड्रेड हो तो कुछ भी आप लिख सकते हैं एक्स फाइव uh, एक्स की पावर हंड्रेड लिख सकते हैं तो ये एक मोनोमियल है जिसमें एक ही टर्म्स है जिसकी हाइस्ट पावर हंड्रेड डिग्री हंड्रेड है तो ये एक इस तरह से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फोर्थ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स इस पॉलिनोमल की डिग्री डिग्री क्या होता है हाइस्ट पावर ऑफ पॉलिनोनोमियल इज कॉल्ड डिग्री तो यहाँ हाइस्ट पावर थ्री है तो इसकी डिग्री थ्री है इसकी डिग्री इस पॉलिनोमल की डिग्री टू है इस पॉलिनोमल की डिग्री कितनी है यहाँ पर एक ही वेरिएबल टी है और इसकी डिग्री हम क्या मानेंगे हाईएस्ट डिग्री वन जहाँ पर आपको कोई भी पावर नहीं दिखे इसका मतलब उसकी जो डिग्री है वो वन ही होती है यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनॉमल है तो इसकी डिग्री क्या है हाईएस्ट डिग्री जीरो क्योंकि हम यहाँ एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो का मतलब होता है वन तो वन का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है जीरो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर कॉर्टिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमल्स तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू होती है वो क्वाड्रटिक होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री थ्री होती है वो क्यूबिक पॉलिनॉमल होता है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री वन होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री टू है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री थ्री है क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ ये भी इसकी भी हाईएस्ट डिग्री वन है टी की तो लीनियर पॉलिनोमियल है आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेवन एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनॉमियल अब सेकेंड पार्ट में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके